हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा बजरी तोता जो होता है दोस्तों, वो बीमार होता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वो धीरे 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 करके ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जहां से उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, 5 ऐसे साइन जिनको देखकर आप पता कर सकते हैं कि क्या आपका बजरी तोता सही है या बीमार है, जिससे कि आप उसकी टाइम पे केयर कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें, जिससे कि आप उसको बचा सकें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। 5 साइन मैं बताऊँगा वीडियो में, जिनको आप अपने बर्ड से मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका बर्ड बीमार है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या आपका बर्ड ठीक है। अगर भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जिससे आगे हम और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोते जो होते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं तो धीरे 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 करके वो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां से उनकी केयर करना, उनको बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम शुरुआत में ही उसको चेक कर लें, देख लें कि हमारा बर्ड्स बीमार है, तो हम उसकी अच्छे से केयर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं जो साइन बताने वाला हूं, उसमें सबसे पहला जो साइन है दोस्तों बीमार बर्ड का, वो ये होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो बर्ड होगा वो गर्दन अंदर करके, परों के अंदर यानी पीछे गर्दन करके पर के अंदर बैठा रहता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ये पता चल गया कि 100% हमारा बर्ड बीमार है। कभी कभी नेचुरल तरीके से भी बजरी तोते जो होते हैं वो इस तरह से बैठते हैं, बीमार नहीं होते हैं तब भी वो इस तरह से बैठते हैं। तो अगर आपका बजरी तोता इस तरह से गर्दन अंदर करके परों के अंदर लगातार बैठ रहा है तो आप उस पर गौर करें। उसके साथ साथ कुछ और भी साइन आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर वो साइन भी मिल रहे हैं तब आपको पहचानना है कि आपका बर्ड बीमार है। अदरवाइज़ अगर और कोई साइन नहीं आ रहा, केवल नॉर्मली आपका बर्ड कभी कभार जो है अपने पर के अंदर गर्दन अंदर करके बैठ जाता है, तो ये एक नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है, बजीज ऐसा करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से ज़्यादा कर रहा है और उसके साथ साथ और भी साइन आ रहे हैं तो आप उस बर्ड का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करें। अब बात करते हैं दूसरी निशानी क्या होती है बीमार बजरी तोते की। देखिए, जब बजरी तोता बीमार होता है तो वो पर फुलाकर बैठ जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा बर्ड जो होते हैं जब वो बीमार नहीं होते हैं, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, हमारे बर्ड्स जब बीमार नहीं होते हैं तो वो कोई पर वगैरह फुलाकर नहीं बैठते हैं, उनके पर वगैरह पतले लगते हैं, वो बर्ड्स फूलकर नहीं बैठा हुआ होता है। अगर आपका बर्ड पर फुलाकर लगातार बैठ रहा है तो समझ जाइए उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब आपको उसको चेक करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, तीसरा साइन क्या होता है। देखिए, जब बर्ड बीमार होता है अगर उसको मोशन लगे हैं तो देखेंगे आप कि वो पर फुलाकर बैठना स्टार्ट कर देगा, गर्दन अंदर करके बैठेगा, उसकी जो पूंछ के नीचे का हिस्सा होता है जिसको वेंट बोलते हैं, वहाँ पर जो है पॉटी वगैरह लगी आपको नज़र आएगी, गीला गीला नज़र आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बर्ड्स को मोशन लगे हुए हैं, तो आपको उसको फिर उसका इलाज करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर आपके बर्ड्स की वेंट ठीक है और फिर भी आपका बर्ड पर फुलाकर बैठ रहा है, गर्दन अंदर कर बैठ रहा है, तो इसका मतलब आपके बर्ड्स को फीवर हो सकता है या आपके बर्ड को जो है नज़ला खांसी है, तो उसका भी मैं आपको आगे सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों, अब चौथा साइन क्या होता है। देखिए, बर्ड अगर आपका बीमार है तो जब वो थोड़ा सा उसकी स्टेज बढ़ जाती है बीमारी की, तो आपने देखा होगा कि आपका बर्ड जो है वो जाली पकड़कर लटकना स्टार्ट कर देगा या फिर स्टिक पर नहीं बैठेगा, वो केज या आपकी कॉलोनी है तो ज़मीन पर बैठना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपका बर्ड ऐसा कुछ कर रहा है कि वो जाली पकड़ कर लटका रहता है, पर फूले हैं उसके और वो स्टिक पर नहीं बैठ रहा है, ज़मीन पर ही ज़्यादातर बैठ रहा है, तो आपको उसको देखना है कि आपका बर्ड बीमार है 100%। तो आपको उसको चेक करना, उसके पंजे पकड़ कर देखेंगे आप, तो वो अगर गर्म लग रहे हैं तो उसको फीवर हो सकता है, अगर उसका जो है उसको नज़ला है तो उसकी नाक के पास से जो उसकी चोंच होती है वहाँ से पानी निकलता आपको महसूस होगा,
बर्ड्स को जब नज़ला होता है तो उसको इचिंग होती है, वो स्टिक वगैरह से उसको खुरसता रहता है, केज की जाली से अपनी नोज़ को खुरसता रहता है, और अगर उसको मोशन होंगे तो उसकी वेंट गीली होती है दोस्तों, और उसकी जो पॉटी होती है उसका कलर भी चेंज होने लगता है, जो कि वाइट पॉटी भी करना स्टार्ट कर देता है बर्ड अगर उसको ज़्यादा मोशन लग गए हैं। तो दोस्तों लास्ट जो साइन है आपके बर्ड की, जो बिल्कुल लास्ट कंडीशन में पहुंच जाता है आपका बर्ड, वो ये होता है कि आपका जो बर्ड होगा वो पर फुलाकर बैठेगा, गर्दन अंदर करके बैठेगा, जाली पर लटकेगा या केज की स्टिक छोड़ देगा, ज़मीन पर बैठना स्टार्ट कर देगा, और लास्ट साइन में वो दोस्तों दाना पानी खाना भी छोड़ देगा। जब आपका बर्ड दाना पानी खाना छोड़ देगा तो समझ लीजिए अब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसी कंडीशन आने से पहले ही आपको अपने बर्ड को चेक कर लेना है, यानी अगर आपका बर्ड लगातार पर फुलाकर गर्दन अंदर कर बैठ रहा है तो आपको उसको चेक करना है। खाली अगर गर्दन अंदर करके आपका बर्ड बैठा है तो ऐसा कभी कभी बर्ड सोते भी हैं, ऐसा नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसके साथ और दूसरे साइन आ रहे हैं जैसे कि आपका बर्ड पर भी फुला रहा है, स्टिक पर भी बैठना छोड़ रहा है, जाली पकड़कर लटक रहा है या ज़मीन पर बैठना स्टार्ट कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बर्ड बीमार है। और दोस्तों आपका बर्ड जब बीमार होगा तो वो अपनी टेल भी ज़्यादा हिलाएगा, उसकी पूंछ जो होती है, नॉर्मली बर्ड भी पूंछ हिलाते हैं तो आप उससे धोखा ना खाएं, लेकिन अगर लगातार उसकी पूंछ ज़्यादा हिला रहा है और पर भी फुला रहा है, ज़मीन पर भी बैठ रहा है, तो इसका मतलब आपका बर्ड बीमार है। अब आपको चेक करना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर मोशन लगे होते हैं दोस्तों तो उसकी पूंछ के नीचे जो होता है वहाँ पर आपको पॉटी लगी महसूस होगी, नज़र आएगा आपको गीला गीला, तो उसको मोशन है, तो आपको मोशन का इलाज करना है। और अगर दोस्तों उसके पंजे गर्म हो रहे हैं, वो पर फुलाकर बैठ रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, ज़मीन पर बैठ रहा है, तो उसको बुखार हो सकता है, तो आपको उसकी तरह से ट्रीटमेंट करना है। और अगर उसको नज़ला है तो वो अपनी जो चोंच होता है वो जाली से खुरसता रहता है, उसकी नोज़ के पास से पानी निकलता है और वो पर फुलाकर बैठना स्टार्ट कर देता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बर्ड बीमार है। अब ये सब सिम्पटम देखने के बाद दोस्तों अगर आपको उनकी जो ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स पर, सभी बीमारियों पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि उसमें आपको किस तरह से केयर करनी है और उनको मेडिसिन किस तरह से देनी है। तो दोस्तों ये 5 साइन होते हैं जिनको देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका बजरी तोता बीमार है या सही है। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है अपने बर्ड्स को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपका बर्ड बीमार है या सही है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगती है तो कीजिएगा लाइक, शेयर कीजिएगा, इजाजत दीजिए, ओके।